कांड हो गया भाई, बड़ा वाला कांड हो गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब आज? मैं बढ़िया नहीं हूँ भाई, आप सब बढ़िया हैं? मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ। उस समय टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15 और मैं आया था भाई गाड़ी में, मुझे कहीं जाना था एजेंसी। आपने पीछे मेरा ब्लॉग देखा था टाइगन का, कि टाइगन मैंने 2 महीने बाद स्टार्ट करी, स्टार्ट हो गई, और उस ब्लॉग के बाद आज तक मैंने टाइगन स्टार्ट नहीं करी। आज है 21 दिसंबर, तो करीबन 1.5 महीना हो चुका है टाइगन स्टार्ट नहीं करी मैंने। और आके ये देखो भाई, ये खड़ी है बैटरी, फुस हो गई भाई, फुस हो गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, एजेंसी में आया था, मैंने कहा चल स्टार्ट कर दिया है, हो जाएगी स्टार्ट, निकल जाऊंगा फटाफट, बहुत अर्जेंट निकलना था कहीं, बट वो नहीं हो रही भाई। अभी यहाँ बैटरी वाले को फ़ोन किया, वो कहता भाई आज मेरे पास बंदा नहीं है, तो कल भेजूंगा बंदा। अब पार्किंग में रिक्वेस्ट करी है, मैंने कहा यार कुछ होता है तो बताओ मेरे को, किसी तरह मैनेज करवाओ इसको। दिखाता हूँ यार, एक मिनट रुको, आप लोग ये अनलॉक हो रही है, पीछा खुला हुआ है, बट कुछ हो नहीं रही, ये फ्लिकर कर रहा है ना, लाइट फ्लिकर कर रही है, इट मीन्स ये नहीं कर रही। और ये देखो, ये पीले रंग की लाइट भी आ रही थी यहाँ पर अभी, एक मिनट, ये देखो ये कम हो गई ना, ये देखो सेल्फ ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। और जब सेल्फ लेते हैं भाई, उस समय ये देखो ये फ्लिकर हो रही है, इसमें पता नहीं पता लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, DRLs हैं वो फ्लिकर कर रही है, इट मीन्स कहीं पर कुछ दिक्कत है। और अब बंद करूँगा ना भाई, लॉक भी नहीं हो रही थी, इसको लॉक कर रहा था, ये देखो नहीं हो रही लॉक, लाइट जल रही है, ये देखो लॉक भी नहीं हो रही है। इसको खोलने की कोशिश करी, ये भी नहीं खुल रहा कि मैं चाबी से लॉक कर दूँ उसको, और ये लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही है भाई। अब कांड हो गया भाई, बड़ा वाला कांड हो गया। अभी इनको बोला मैंने, कहा आके कुछ करके इसको स्टार्ट करो, कम से कम मैं कुछ तो कर पाऊँ यार। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, जंप स्टार्ट लेना पड़ेगा, या धक्का भी नहीं मार सकते इसको, तो ऑटोमेटिक है। टायर की भी हवा देखी जाए तो थोड़ी बहुत निकल ही चुकी है, वो भी भरवाते हैं इसको, और नहीं काम हो रहा भाई इसका, ये नहीं लॉक हो रही है। मैं कहाँ से जाऊँ नीचे बोलने उनको, ये खुल ही नहीं रहा। इसमें चाबी डाल के जब खरीदी थी उन्होंने कहा था चाबी डाल के खुल जाती है, यहाँ से मैं चाबी डाल के कोशिश करे जा रहा हूँ, खुल ही नहीं रही है। खुलेगी तो मैं चाबी से बंद करूँगा इसको, बंद ही नहीं हो रही है, देखो अब कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही है। चलो यार करते हैं, बुलाते हैं इनको और दिखाता हूँ आपको आगे कैसे जंप स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। मेरे को लग रहा पहले 15-20 मिनट यहीं बैठना पड़ेगा मेरे को जंप स्टार्ट करके, ताकि बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाएगी, कल को अगर बंद हुई तो वहाँ सेल्फ लेके स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर वहाँ रोड पे स्टार्ट नहीं हुई भाई तो कांड हो जाएगा। पार्किंग वाला बंदा भेज रहा है, भेज क्या रहा है, उसको बोला है मैंने, पैसे बहुत मांग रहा है, यहाँ जा रहा था गाड़ी लेके, तो उसको पकड़ लिया, मैंने कहा बोल दे उसको नीचे यार भाई को आके कुछ कर दे इसका काम, तो देखते हैं कितनी देर में आता है भाई वो भी। तो बात हो गई है भाई यहाँ पर, वो आ रहे हैं, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कौन सी बैटरी, मैंने कहा इतनी बैटरी है किसी में से भी कर लो यार, कहते नहीं भैया इतने पैसे लगेंगे, ये तो लेंगे। मैंने कहा चलो यार, हमेशा पार्किंग से इतने महीनों से खड़ी हो रही गाड़ी, इतने साल हो गए, तो कहते नहीं भैया जो है वो ये है ना फटी में भाई, हर कोई चाहता निचोड़ लूँ। गियर वाली तो हो जाती है यार, ऑटोमेटिक का मेरे को थोड़ा सा वो है कि भी तरीका तो वही होगा ऑटोमेटिक में भी, क्या ही होगा। स्विफ्ट का भी पीछे ये हुआ था, बैटरी डाउन हो गई थी, तो स्विफ्ट भी मैंने जंप स्टार्ट करवाई थी तार लगवा के, वो AMT है, ये ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा फ़र्क है, मेरे ख्याल से वही रहेगा, सिर्फ तार जोड़ेंगे और मेरे को एक्सलेट कर गियर सेल्फ मारना है और वो स्टार्ट हो जाएगी। बट सीख मिल जाती है इससे कि महीने में एक आधी बार आके थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर ही लो। तो भाई भैया आ गए लेके अपनी तार का पोटला, और देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। चलो भाई आ गए, दूसरी गाड़ी ले आए हैं, बोनट मैंने खोल दिया है, और अब इसको करेंगे जंप स्टार्ट। खोल दिया, बोलो क्या करो। ये लो जी, ये भी खुल गया, पक्का जुगाड़ रखा हुआ आपने भी है, क्लैंप व्लैंप बना के पूरे मस्त एकदम। पॉजिटिव कौन सी है इसकी साले की, अब यही वाली होगी, वो तो काली है तार है ना पीछे वाली, ये प्लस होगी, ये प्लस लिखा हुआ है ना इसमें, लिखा तो है भाई प्लस, ये लिखा है, ये इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है प्लस, ये बैटरी भी बहुत अंदर कर रखी है। जाओ मारू, चलो भाई
रानी का नाम लेके सेल्फ मारते हैं और देखते हैं क्या होता है। जय माता दी। नहीं हो रही ले भाई, लगी नहीं, आ गई करूं। ओ जय माता दी, स्टार्ट हो गई, हो गई हो गई हो गई, स्टार्ट हो गई। अब कितनी देर रखूं इसको, आधा घंटा छोड़ दूं? तो भाई फाइनली हो गई स्टार्ट और हम बैठ रहे हैं अंदर गाड़ी के और करेंगे कुछ टाइम पास आधे घंटे तक, ताकि थोड़ी सी चार्ज हो जाए और उसके बाद इसको निकालेंगे बाहर। और अब ये क्या सिग्नल आ रहा है भाई इसका, ये वाला, अगर किसी को पता हो तो, मुझे आइडिया नहीं है भाई किस चीज़ का है ये, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दो यार ये वाला किस चीज़ का है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस सिग्नल का। और मेरे को पता है क्या थोड़ा सा डाउट कैसे हुआ था मेरे को, क्या हुआ था कल परसों तक ना सही दिखा रहा था वो ऐप के अंदर ग्रीन, फिर येलो हुआ, कल दिखा परसों दिखा रहा था रात को रेड, मैं कहा रेड हो गया यार इसमें को जाना भी, एक बार जाके स्टार्ट कर लेता हूँ, कल मैं नहीं आ पाया किसी वजह से। और कल रात को देखा तो ऐप में बैटरी दिखाई नहीं रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा भाई चांसेस हैं कि डाउन हो सकती है, बट ऐप भी धोखा देती है, ऐसे पिछली बार धोखा दिया था ऐप ने, तो मैं आया लगाया नहीं हुआ स्टार्ट, तो मतलब ऐप ठीक काम कर रही थी। और अभी एक मिनट देखता हूँ ऐप में क्या दिखाता है, उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं उसमें। कल दिखा रहा था वोल्टेज 11 पॉइंट समथिंग वोल्ट, अभी दिखा रहा है 10.5, इट मीन्स वो डाउन है, जब तक वो बढ़ के 12-13 नहीं पहुँचेगी भाई अपने को यहाँ से नहीं निकलना, निकले कांड हो गया तो फंस जाएंगे भाई रोड पे, कोई नहीं मिलेगा अपने को, गाड़ी स्टार्ट करने वाला इस समय तक। देखो अब फर्स्ट तक चल रही है, अब कोई ब्लिंकिंग नहीं है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है, अल्टरनेटर से बैटरी भी चार्ज हो रही है और बाकी लाइट भी चल रही है। तो अगर यार गाड़ी खड़ी करनी है तो मेरे हिसाब से आप महीने में 20-25 दिन में एक बार आओ गाड़ी को, अपना 15-20 मिनट स्टार्ट करो, ताकि एक तो ऑयल भी इंजन में घूम जाता पूरा, वो भी प्लस पॉइंट हो जाता है, दूसरे साथ में ये होता है यार बैटरी को जो डिस्चार्ज होती है वो चार्ज हो जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो ताकि टायर एक ही जगह पे रह के ना थोड़े से शेप ख़राब हो जाती है टायर की, टायर भी आगे पीछे रह हो जाएंगे थोड़े से तो जगह से, तो वो भी थोड़ा सा टायर के लिए भी बेटर है। तो 20-25 दिन में आओ, एक बार आके गाड़ी में स्टार्ट कर लो, हल्का सा आगे पीछे कर लो, तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ये काम नहीं होगा जो काम मेरे साथ हो गया, ठीक है ना। तो लर्निंग है भाई अभी ये, क्योंकि स्विफ्ट तो आगे पीछे होती रहती है, ये नहीं हिलती ज़्यादा, तो बस इसी वजह से, बट गाड़ी रही थी इसलिए कुछ ज़्यादा चैलेंज हुआ नहीं फट से। एक लेकिन एक बात है भाई वॉक्सवैगन की, बैटरी लगाने के बाद भी गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई, सेकेंड सेल्फ मिल गया भाई इसने, तो इट मीन्स गाड़ियाँ हमारी बढ़िया हैं, हमें थोड़ा प्यार से रखना है और मेरा हाथ दुख चुका है और मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी के अंदर। इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था ना यार कि मेरा इसका इंस्पेक्शन ड्यू आ रखा है, फरवरी में मैंने कराई थी सर्विस, आई थिंक 6 मंथ्स बाद आया था और अब तक मैं उसको इंस्पेक्शन चेक के लिए लेके नहीं जा पाया गाड़ी को यार, तो इंस्पेक्शन चेक भी कराना है इसका। और ये लाइट अभी भी बंद नहीं हुई है, ये अभी भी आ रही है, देखो ये किस चीज़ की है ये मुझे नहीं पता यार, ये पार्किंग लाइट के ऊपर वाली, ये होता भाई गाड़ी ना चलाओ ना कुछ दिन तक तो आप फंक्शन फीचर्स भूल जाते हो। ये जो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि भैया मुझे बताओ कमेंट करके ये क्या है क्या है क्या है, क्रूज कंट्रोलर, मुझे लग रहा था ये लाइट बंद हो जाती है, ये पता था क्रूज कमेंट में, क्या ये लाइट बंद हो जाती है, जल क्यों रही है और एक्सक्लेमेशन साइन क्यों आ रहा सामने, तो ये क्रूज का। और ABS जल रहा है यार, ABS का भी मुझे याद नहीं है कि जलता रहता है बंद हो जाता है, तो भाई यही है कहानी, इसे मैं चलाते रहो तो फंक्शन में सारे बटन भूल गया हूँ इसके, कौन सा बटन कहाँ क्या है कैसे है क्या फीचर है, पार्किंग वो आदमी को झमेला लगता है यार, निकालो रखो, स्विफ्ट बाहर होती है, स्विफ्ट ले जाता हूँ, स्विफ्ट में आ जाता हूँ। आप भी कहोगे यार क्या ही चीज़ है ये। गाड़ी स्टार्ट कर रहे यार, करीबन आधा घंटा हो चुका है और अभी भी वोल्टेज जो है बैटरी की 10.05 ही दिखा रहा है, बड़ी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ 5-10 मिनट और बैठूंगा, स्टार्ट करूंगा और फिर निकल जाऊंगा, मतलब स्टार्ट है 5-10 मिनट और बैठ के फिर मैं निकल जाऊंगा काम पे। और अब इसको 2-3 दिन मैं सोच रहा हूँ रोज स्टार्ट करो यार, थोड़ा सा ना ठीक हो जाएगी, नहीं तो। और अगर यहाँ तक ब्लॉग देखा है, मजा आया, एंजॉय किया, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट करें, बिल्कुल मत जाना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि पता लगे ब्लॉग कब आ रहा है। जय हिंद।